بسم الله الرحمن الرحيم. क्या हम इंटरनेट से कोई भी किसी किस्म का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और वो भी फ्री में। तो देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड होगा। जैसे हमें सिविल 3D चाहिए, ऑटोकैड सिविल 3D या MS ऑफिस चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पे जाके यूटोरेंट को डाउनलोड करेंगे। यू टोरेंट रिक्वायर्ड होता है इसमें। ये इसकी वेबसाइट पे गए तो गेट यू टोरेंट, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये तकरीबन 2 MB का सॉफ्टवेयर है, सिर्फ कुछ सेकंड में ये डाउनलोड हो जाता है। ये डाउनलोड हो गया यहाँ पे, ये पहले से भी था मेरे पास, तो ये डाउनलोड हो गया। अभी इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। मेरे कंप्यूटर में पहले से ये इंस्टॉल है, तो इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करता। तो आप अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आप सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करेंगे, तो उसका कुछ वेबसाइटें होती हैं। जैसे एक वेबसाइट है एक टोरेंट, तो ये इसके ऊपर क्लिक करें तो ये उसने ब्राउजर की ऑप्शन दे दी है। तो यहाँ पे आप ऑटोकैड सिविल 3D लिख के इंटर करें। जैसे ये इसको हम देखते हैं कि ये इसमें पड़ा हुआ है, तो ऑटोकैड सिविल 3D ये इसमें इसके ऊपर क्लिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें 2016 चाहिए, क्लिक किया। इसके बाद ये 3 ऑप्शन दे रहा है जिसमें हम डाउनलोड जिस टोरेंट पे जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड जिस टोरेंट, तो ये देखें ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे आके, तो ये इसमें ये आगे यू टोरेंट में ये फाइल शो हो रही है, तो इसको ओके करेंगे। तो ये देखें ये यू टोरेंट में आ गई है। तो यहाँ से ये अभी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। जैसे ये देखें डाउन स्पीड, ये आस्ता आस्ता आपके नेट के स्पीड के हिसाब से जो है चलती जाएगी। ये तकरीबन 10 GB के करीब सॉफ्टवेयर है, तो इस पे कुछ टाइम भी लग सकता है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो शायद घंटे में या 2 घंटे में डाउनलोड हो जाए। अगर स्पीड स्लो है उसको कुछ टाइम लग सकता है। तो ये इसका ये है कि अगर आपका कंप्यूटर बंद भी हो जाता है, कि जैसे ये 50% पे डाउनलोड हो चुका था, कंप्यूटर जब दोबारा स्टार्ट करेंगे तो 50% से आगे से फिर शुरू कर देगा। तो ये है कि इसके जरिए भी हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी वेबसाइट है, जैसे ये एक वेबसाइट ये है कि ATR और CR, इसके ऊपर क्लिक करें और ये इसको हम ऑफिस देते हैं। OWF ऑफिस 2016 हमें लेटेस्ट निकाल के दो। ये इसने यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है डाउनलोड टोरेंट फाइल, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। बल्कि ये कुछ चंद KB की ये फाइल होती है जो यू टोरेंट में जाके, ये इसमें 64 बिट है और 32 बिट की है, जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर आपके पास PC 64 का है तो आप एक को ही डाउनलोड करें, ताकि ये 1.93 GB की है। दोनों को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोनों को डाउनलोड कर लें। फिलहाल हम एक पे ही
रहने देते हैं 64 बिट पे, ओके करें यहाँ पे। और ये भी कनेक्शन टू पेयर्स, ये देखें यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। तो जब डाउनलोड हो जाएगी तो ये फाइल, ये देखें ये भी डाउनलोड हुई नहीं है लेकिन ये सिर्फ आइकॉन शो हो रहा है इसका। तो ऐसे फिर हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास ये विन ड्रायर होता है, एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये इसकी ये फाइलें जो है खुल जाएंगी। तो फाइलें खुल के तो ये तकरीबन इस तरह की आ जाएगी, Civil 3D। ये तो इसको आप यहाँ से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मेरे पास दोनों पड़े हुए हैं इसलिए इनको मैं डिलीट करता हूँ। तो ये, या इसके अलावा और भी आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए डिज़ाइनर के मतलब, या यानी किसी भी किस्म का, तो आप यहाँ से सर्च करके यू टोरेंट के जरिए डाउनलोड इसको कर सकते हैं। अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो वीडियो को नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। उसके अलावा नई वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। या मुझे फेसबुक के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑटोकैड सिविल 3D इन उर्दू में। या ये लैंड सर्वेयर का भी प्रोग्राम है, इसमें भी सॉफ्टवेयर वगैरह पड़े हुए हैं सर्वे के मतलब, जैसे कोऑर्डिनेट कैलकुलेटर है और ट्रुथ स्टेशन के कुछ मैनुअल हैं और सेमुलेटर वगैरह हैं कुछ ट्रुथ स्टेशनों के। तो आप इसको भी विजिट कर सकते हैं।